सो हे व्हाट्स अप एंड फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड। सो जैसा कि आपसे वादा किया था कि एक ट्रिप पे चलेंगे, अब आज हम चल रहे हैं वापस से हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में। वहां पे आपको फिर से दिखाते हैं वहां की पहाड़ियां, सुंदर लोकेशंस, और जो हमारा अधूरा काम रह गया था पिछले महीने, ना तो हमारे चिंतपूर्णी का प्रॉपर दर्शन हुए थे रश की वजह से, एंड हमने वहां पे एक सेवा का काम पकड़ा था, तो वो काम आज कंप्लीट करेंगे। चलते हैं यहां से चिंतपूर्णी और आपको और भी कुछ बहुत कुछ दिखाएंगे, बनिए रहे व्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं आज का एक और नया दिन एक और नए व्लॉग के साथ। फिर से चलते हैं हिमाचल प्रदेश और आपको भी दिखाते हैं वहां की खूबसूरत पहाड़ियां, झीलें, बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। सो हर यात्रा को शुरू करने से पहले एक बार माता रानी का जयकारा कर देते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। चलिए पहुंचते हैं यहाँ से सीधा माता चिंतपूर्णी के टेंपल पे। टोल टैक्स कट गया पहला, देखते कितना कटा। आई थिंक 60 या 70 रुपए तो होगा, 110 रुपए का टोल टैक्स कटा ही है। और यहाँ नंगल टोल प्लाजा, तो इधर पहले टोल टैक्स अभी तो बहुत कटेंगे, देखते हैं। अभी भी काफ़ी दिन पड़ी है, तो 134 किलोमीटर बड़ा अभी चिंता पड़ा, 134 किलोमीटर अभी भी बड़ा हुआ। तो 110 का टोल टैक्स कट गया हमारा पहला, अब कंटिन्यू करते हैं अभी। सो अभी एक ब्रेक ले रुके हैं, अभी भी आई थिंक 24 किलोमीटर पड़ा और अभी चिंतपूर्णी कुछ खा पी लेते, कुछ सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, तो ब्रेक लेते हैं और देखते हैं अब कुछ खाने को मिल जाए। अच्छा चाबी तो ले लें। सो ये रहा ढाबा, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। आई लव जस्ट वन, वाह अब तो हर जगह ऐसे बोर्ड बने मिल ही रहे हैं। सो एक पराठा एक छोली पूरी ऑर्डर किया, देखते कैसा टेस्ट है, अगर और भूख लगी तो और खा लेंगे, और इस लाइट चलते हैं क्योंकि अभी और ट्रैवल करना कुछ ज़्यादा हैवी होगा तो मुश्किल होगा। सो इट्स बेटर टू गो लाइट। 24 किलोमीटर भी पड़ा हुआ, गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी सामने। सो ब्रेकफास्ट हो गया, पूरी छोले पराठा प्लस 2 चाय 150 रुपीज़ जेन्युइन फ्लेवर थे, स्वाद तो ठीक ठाक था, जो पूड़ी थी उसमें तो ऑयल था, तो हमने एक ही खाई एक छोड़ दी, मतलब पता नीचे ऑयल निकल रहा था पूरा डिप इसलिए। तो चलो अब आगे चलते हैं, 24 किलोमीटर का चिंतपूर्णी, अच्छा सा खाना खाएंगे वहाँ जाके, देखते अगर अच्छा कुछ मिले। एक तो चाट खानी है, पिछली बार हमने चाट खाए थे वो चाट जरूर खानी है। चलो गाड़ी कर रहे हैं, गाड़ी खुल गई, चलिए
इसमें फ्यूल भी डलवाने वाला हो गया, फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा। सिर्फ 47 किलोमीटर की रेंज है, 9 की एवरेज निकाल रही गाड़ी अभी, 9 किलोमीटर पर लीटर। यहाँ पे फ्यूल डलवाने के लिए रुके, पेट खाली होगा था इसका भी। कितने की रेंज अभी? अभी फुल हो रहा है, इसको भी भूख लगी थी बगीरा को। 32 लीटर पेट्रोल डलवा लिया। सो 3000 का पेट्रोल डलवा लिया, 314 की रेंज आ गई है। अब कितने बचा है यहाँ से? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बचा है चिंतपूर्णी। चलो वहाँ से, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था, रेड लाइन पे आ गया था तो डलवाना ज़रूरी था। सो पहुँच चुके हैं मंदिर, यहाँ सबसे चलते सीधा मंदिर की तरफ। गाड़ी लगा दी पार्किंग में, पेड पार्किंग रहती है गाइस। हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, अब तो बादल भी फुल ऑन छा चुके हैं, हल्की बारिश है। चलो फटाफट यहाँ से दर्शन करते, फिर आगे वाले नेक्स्ट मंदिर पे भी आप जाएंगे, वो आपको साथ साथ ही बताते जाएंगे कहाँ कहाँ पे हम आज दर्शन करेंगे पूरे। सबसे पहले हम करेंगे चिंतपूर्णी के दर्शन, जो कि हम पहुँच चुके हैं। अब हम मंडे इसलिए आए कि आराम से दर्शन हो सके, रश ना मिले, क्योंकि कल संडे था। प्लान तो संडे को आने का था, लेकिन रश कल बहुत ज़्यादा मिला था क्योंकि संडे। तो मंडे आज आराम से दर्शन करेंगे और अपने नीचे शिवालय भी जाएंगे, आपको शिवालय भी दिखाएंगे, खुफिया शिवालय जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी कहीं सपने में दिखा था शिवालय, तो मैं स्पेशल वहाँ पर दर्शन करने जरूर जाता हूँ। अगर आप स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे होटल का भी पूरा फैसिलिटी है, भरे पड़े होटल फुल ऑन, तो होटल्स की भी कोई कमी नहीं है। होटल्स भी है, धर्मशाला भी है, मोगा धर्मशाला, पीछे भी धर्मशाला एक और गई। यहाँ का व्यू देखो गाइस, व्हाट ए लवली व्यू। सो गाइस प्रसाद ले लिया, अब चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। रश नहीं है तो ये बेस्ट है, रश होता तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती, फिर से लाइन में लगना पड़ता। इसे संडे की जगह पे आज मैं मंडे को आया। सो प्रसाद की बहुत सारी दुकान है, ढाबे मिल जाएगा आपको फुल ऑन। बाकी यहाँ का फेमस आम पापड़, ये सारा इसी तरह रास्ता मंदिर की तरफ जाता, भवन की तरफ जाता हुआ। मेन भवन का द्वार, मेन गेट गाइस भवन का। गाइस दर्शन हो गए, अब बाहर आ चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, आराम से हो गए, कंफर्टेबली। रश थोड़ा सा था दर्शन के टाइम पे, बाकी ओके, बाकी कोई इश्यू नहीं हुआ। यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं फ्रेश। तो यहाँ से प्रसाद भी ले लिया, अब यहाँ पे हवन हो रहा है। तो यहाँ से बाहर निकल के शिवालय से, सॉरी दर्शन करके यहाँ नीचे से जाना पड़ेगा, अपने शिवालय की तरफ चलते हैं। ये रहा शिवालय जाने का रास्ता, स्टेयर्स है आई थिंक अराउंड 50 से 60 स्टेयर्स है। उतराई में मुश्किल नहीं लगेगी, उतराई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर जब ऊपर होगा चढ़ाई में तब थोड़ा थकान होगा। पर हम मैं हमेशा जाता हूँ, जब भी आता चिंतपूर्णी मैं 6 से 7 बार आ चुका हूँ, शिवालय जरूर जाना होता है। शांति से आप जाके आराम से दर्शन कर सकते हैं शिवालय के। तो चलते हैं नीचे।
लगता है यहाँ पे भी आरती हो रही है। मैं जितनी बार भी आया हूँ यहाँ पे बहुत कम लोग, बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन अभी आई थिंक आरती हो रही है, लोग यहाँ पे भी आना शुरू हो गए, अच्छी बात है। उसी शिवाला का मतलब कहते ना, ज़्यादा थोड़ा सा क्या कहते ना, हैपनिंग प्लेस रहेगा, और साथ में मैं इसके यहाँ पे ध्यान भी देखे सर्विस करने का सब कुछ। तो ये कलश हमने क्या कहते करना था यहाँ पे, क्योंकि जो पुराना कलश था जब लास्ट टाइम आए थे ना पिछले महीने, तो ये कलश टूटा हुआ था, तो किसी ने रिप्लेस ऑलरेडी कर दिया, तो हमने भी लेकर आए थे। तो ये कलश अब यहाँ पे हम दे देंगे उनको। चलो ये शिवलिंग पे पहले जल चढ़ा देते इस कलश से जो हम अपनी सेवा के लिए दे रहे हैं, एंड बाद में ये कलश पंडित जी को दे देंगे, फ्यूचर में अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो ये भी यूज़ कर लेंगे। ये है पूरा व्यू है। अभी हवन हो रहा है, वेट करते हैं देखते हैं। 10 minutes later जल चढ़ा दिया गाइस, तो अपना वो भी दे दिया जो सेवा के लिए हम कलश लेकर आए थे, वो भी दे दिया पंडित जी को। अब चलते वापस ऊपर, ऊपर जाने में ज़्यादा मेहनत लगती है यहाँ पे। पहले यहाँ पे सेवा नहीं करते, किसी ने सेवा करी है, पूरा दोबारा से मंदिर बन रहा है, पहले बहुत कम, अभी तो वहाँ अंदर पूरा वो चल रहा था, हवन चल रहा था, पाठ चल रहा था, तो हमने उसी के बीच में जल चढ़ा दिया। सो अब चलते हैं यहाँ से वापस ऊपर की तरफ, ऊपर जाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी अब। A little longer than a few minutes later. गाइस बूट डाल लिए, सांस ले लिया, सांस खींची हुई थी, सीढ़ियाँ चढ़ के आते ना शिव जी के नाक से, तो सांस भी आ गई, बूट भी डाल लिया, थोड़ा सा आम पापड़ लेते हैं घर के लिए और चलते हैं आगे। खट्टा वाला दे दो, मीठा ले लो, खट्टा दे दो, फ्रेश है। चलो आम पापड़ ले लिया, दर्शन अच्छे हो गए, जो पिछले बार हमारे दर्शन रह गए थे चिंतपूर्ण के वो पूरे हो गए, साथ में जो सेवा करनी थी वो भी हो गई नीचे। तो चलते हम नीचे की तरफ, अपनी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं और देखते हैं इसमें अगर कुछ और शॉपिंग करनी होगी तो आपको दिखाते हैं। काफ़ी दुकानें हैं, अगर कोई फोटोएँ लेनी है या मूर्तियाँ लेनी है, खिलौने बच्चों के लिए, आम पापड़, इमली की गोलियाँ, सब कुछ है, प्रसाद का आइटम। बट अपने को नहीं आ कोई खास, अपने को शॉपिंग इसमें से नहीं कुछ चाहिए, आम पापड़ लेना था घर के लिए, वो एक ले लिया थोड़ा सा, आई डोंट थिंक सो कि वो चाट वाला है यहाँ पर ही था, देखते हैं आगे अगर मिलता है। उसकी चाट बहुत ज़बरदस्त थी, तीखी चाट थी, कहते ना जो कोई अच्छी चीज़ खाओ तो वो याद रहती है, वैसे ही है वो चीज़ याद है कि चीज़ चाट खाई थी, तो अगर मिलती है तो खाएंगे। जैसे हम शिवालय से निकले तब से हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। चलो कोई नहीं, इतनी भी नहीं तेज़ अब आगे जो हमने टेम्पल में जाना है वो तो गाड़ी से ही जाना है, पर ज़्यादा तेज ना हो, दर्शन में प्रॉब्लम ना आए बस, बाकी सब ठीक है। सो गाइस जो मैंने आपको बताया कि चाट वाला वो मिल गया हमें, ये रहा वो चाट वाला, तीखी चाट थी लास्ट टाइम जब खाई थी तो तीखी थी, तो इस बार भी खा रहे हैं। मैं थोड़ा फूड ब्लॉगर भी बन गया, ट्रैवल ब्लॉग, डेली ब्लॉग बनाते बनाते फूड ब्लॉगिंग भी शुरू हुआ से। पूछो भाई ऐसे ये केला है क्या? फूड ब्लॉगर वाला सिस्टम, ये केला डाल रहे हो? ये केला डाल रहे हैं क्या? बताओ मुझे। ये बन गया वाला, पढ़ो मैं लाना। चाट बन गई हमारी स्पेशल प्यार, अब बैठ के थोड़ा सा खाते आराम से, तो इसे चाट पिछली बार भी अच्छी लगी थी तो इस बार इसे खा रहे हैं। चलो खाते हैं और आगे चलते हैं। Little longer than a few minutes later. चाट टाइम कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं अब गाड़ी की तरफ और आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जब आप विजिट करें चिंतपूर्णी टेम्पल का, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अगर आप 2 या 3 महीने पहले आए हो उसके बाद से काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। एक और छोटा देना पैसे नहीं देने के भाई साहब, कोई चीज़ खानी है, एक उसने बच्चे ने चीज़ मांगी तो चीज़ दे दी, चिप्स लेके दे दी, कहता चिप्स खाने तो चिप्स ले दो,
वो ठीक है, पैसे दोगे माँ बाप के जा जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो कि पैसे कहाँ जा रहे होते। खाने की चीज़ तो खाई थी ऑब्वियसली, वो दुकानदार पैसे वापस कभी नहीं देता, ये तो श्योर है। सो अच्छा है कि इनको खाने की चीज़ ही दो, कोई मांगता तो दैट इज़ बेस्ट। चलो हम गाड़ी के पास पहुंच के पार्किंग में आ गए हैं, गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। अभी तो आपको कुछ बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, गाड़ी में बैठ के आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले तो, अगर आप बस से आ रहे हो या अपनी गाड़ी से आ रहे हो या किसी के साथ आ रहे हो, तो बस स्टैंड या जो कार पार्किंग है वहाँ से आपको टिकट लेनी ज़रूरी है, उसके बिना आपके दर्शन नहीं हो सकते। हम आ रहा तो चलो पुराने थे, आते जाते रहते तो जान पहचान वाला था, तो उसने हमें एंटर करने दिया, अदरवाइज टिकट के बिना वो आपको एंटर नहीं करने देंगे। बस स्टैंड या पार्किंग लॉट में जो कार पार्किंग है वहाँ से आपको टिकट मिलेगी, प्रिंट आई थिंक फ्री टिकट है, तो चार्ज नहीं है, वो एक जस्ट इंक्वायरी के लिए कि इतने बंदों ने दर्शन किए उसके लिए है, अदरवाइज वहाँ से आपको मेन गेट से आपको वापस नीचे भेज देंगे। एंड सेकंड चीज, माता चिंतपूर्णी का दर्शन करके नीचे जरूर जाना शिवालय, जहाँ पे मैंने आपको जो आपको मैंने शिवालय दिखाया वहाँ पे भी दर्शन जरूर करना, शांति से आपके वहाँ पे बहुत अच्छे प्यारे दर्शन हो गए, वहाँ पे पूरा रेनोवेशन चल रहा है थोड़ा सा। हाँ, बुजुर्ग लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगा नीचे से ऊपर आने के, नीचे जाना ईजी है, वापस ऊपर आना चढ़ाई करना सीढ़ियों से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, बुजुर्गों के लिए स्पेशली, ओल्ड एज के लिए, तो वो आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हिमाचल प्रदेश आओ तो माता के दर्शन जरूर कर गए आओ, चिंतपूर्णी माता के तो सबसे पहले दर्शन करना, उसके बाद आपको मैं और माताओं का दर्शन करता हूँ। सो इस ब्लॉग को भी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, अभी हम जा रहे हैं आगे बगलामुखी टेम्पल के लिए, वो आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।